हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे Realme 9 Pro 5G की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो मेरा नाम है अरविंद, टेक्नो लोटस पर आपका स्वागत है। मैंने इस फोन को कुछ दिन यूज करा है, तो यह है Realme 9 Pro 5G का बॉक्स। बॉक्स की पैकिंग में एक हल्का सा चीन देखने को मिलता है, जो कि Realme की नई पैकिंग है। तो आपको इस बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट देखने को मिल जाती हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूजर मैनुअल और साथ ही में सिम कार्ड टूल और बैक केस कवर साथ में मिल जाता है। फोन को रखते हैं साइड में और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। USB A2 टाइप सी केबल एंड चार्जिंग के लिए 33 वाट का एडाप्टर मिल जाता है, जो आपके फोन की बैटरी को फास्ट चार्ज करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। इसके राइट साइड में पावर बटन एंड पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बटन एंड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इस 5G फोन के साथ 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट के साथ आता है। जो टच की स्मूथनेस है, देख सकते हो, काफी अच्छी रहती है, जो फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलती है। और आप किसी भी साइट से वीडियो को देखते हैं, आपको हर एक साइड से अच्छी दिखाई देती है। बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जो आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 जो कि 5G प्रोसेसर होगा और 7 5G बैंड के साथ आता है। इसमें UI 3.0 एंड Android 12 के साथ आता है। अगर आप BGMI खेलते हो तो आप स्मूथ से HD में खेल सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे गेम को खेलते हो तो फोन थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन आपको ओवरहीटिंग की इश्यू नहीं देखने को मिलेगी। अब कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के साथ माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। आप इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कैमरा क्वालिटी के बारे में। जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, उनकी क्वालिटी और क्लियरिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करें वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो आपको पास ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग अच्छी दिखाई देगी, दूर की ठीक ठाक देखने को मिलती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से सही है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी जो देखने को मिलती है, काफी अच्छी दिखाई देती है। बात कर लेते हैं फोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है, जो आप फुल चार्जिंग करने के बाद नॉर्मल यूज करते हो तो आपकी बैटरी 1 से लेकर 1.5 दिन तक चल जाती है, जब आप सोशल मीडिया और मूवी देखते हो तब। लेकिन जब आप गेम खेलते हो तो 5 से 6 घंटे तक यूज कर सकते हो। इसके बाद रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो जो इस टाइम हमारे पास है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फोन है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। 6128 आपको 18,999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसके साथ दो कलर और आते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपको लेना है तो आप यह फोन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।